करनाल के मॉडल टाउन क्षेत्र से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के किडनैपिंग मामले को करनाल पुलिस द्वारा चंद घंटों में ही सुलझा लिया गया है। इस दौरान न केवल लड़की को पंजाब के मोगा क्षेत्र से सकुशल बरामद किया गया है, वही इस्तेमाल में किए गए वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इस सारे प्रकरण के पटाक्षेप के बाद जहां लड़की के परिजनों ने राहत की सांस ली, वहीं करनाल पुलिस की भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में जिस तत्परता से कार्रवाई को अंजाम देकर मामले को सुलझाया है वह काबिले तारीफ है। जब तक लड़की बरामद नहीं हुई, करनाल के पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया भी पूरी तरह से सक्रिय रहे और घटनास्थल पर रहकर पल पल की अपडेट लेते रहे। लड़की के बरामद होने के बाद सभी ने राहत भरी सांस ली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में करनाल पुलिस ने जिस तरह से काम किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। इसके अलावा मॉडल एरिया के पार्षद, प्रतिनिधि तथा आम जनता भी इस घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह से चिंतित नजर आई और जितना संभव हो सका प्रशासन का सहयोग किया। आपको बता दें कि मॉडल टाउन क्षेत्र की लड़की घर से स्कूटी पर सामान लेने गई थी। देरी होने पर लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों ने लड़की को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन लड़की नहीं मिली, जिसके बाद लड़की की स्कूटी पार्क के पास मिली। लड़की के परिजन पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी करनी शुरू कर दी। आखिरकार रात को पंजाब के मोगा से छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि कल शाम करनाल में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन करनाल पुलिस की मुस्तैदी के चलते उस लड़की को सकुशल बरामद भी कर लिया गया समय रहते। इसमें आपको बता दूं, इसमें करनाल पुलिस अधीक्षक का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो तो तब तक मौके पर डटे रहे जब तक इस लड़की के बारे में पता नहीं चल पा रहा। उसमें सबसे बड़ा सहयोग दिया वहाँ के मॉडल टाउन पार्षद के प्रतिनिधि, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, गिनी जी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास। गिनी जी, ये क्या वाक्य हुआ था कल शाम को? ये कल शाम को तजिंद्रा के पार्क के पास लगभग 6 बजे के लगभग उस लड़की को किडनैप करा गया। जन गाड़ी थी और इसको किडनैप करके ले गए थे यहाँ से। तो रात को 2:30 बजे इसको लड़की को मोगे से बरामद करा गया। तो सर, आपको कैसे पता लगा, इस समय पता चल गया था? लड़की मदर साथ थी, उन्होंने देख लिया था उसी टाइम, तो उन्होंने नंबर देख लिया था गाड़ी का, जिससे ट्रेस आउट करने में हमें आसानी मिली। मैं इसमें अपना करनाल पुलिस का, मीडिया का और सारी बरादरी का बहुत धन्यवाद करूँगा, जो सारी रात हमारे साथ खड़े रहे, सुबह तक जब तक मामला ट्रेस आउट है। खुद एसपी साहब रात को 12 बजे तक ऑफिस में रहे, इसी मामले को ट्रेस आउट करते रहे। CA1 की टीम उन्होंने गठित करी, हमारे चौकी इंचार्ज जितेंद्र जी, सिविल लाइन इंचार्ज साहब, सबका बहुत धन्यवाद। DSP राजीव जी इन टच रहे हमारे साथ सारी रात। सर, अब अगर हम बात करें तो करनाल में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार को या स्कूलों में हमें ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे हम ये काम ना करें, या कानून इतना सख्त बने लोग काम करने से पहले डरे। अब इसमें सबसे पहले आपने करनाल पुलिस का सहयोग किया, करनाल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया, ठीक है, जबकि प्रशंसा के पात्र हैं करनाल पुलिस के अधीक्षक और बाकी सारी टीम भी। इसके अलावा आप लोग हो गए और आपके यहाँ के स्थानीय लोग हो गए, जो कि पूरी रात, जो हमें खबर मिली थी कि स्थानीय लोग भी पूरी रात यहीं पर मौजूद रहे थे, आप लोगों के साथ ही लड़की को ट्रेस आउट करने में जुटे रहे थे भी, किस तरह से लड़की का पता चल सके। तो सर, लड़की को सकुशल रात को तकरीबन 2:30 बजे बरामद कर दिया गया था। ऐसा जी, आप देखिए ना भाई, एक 13 साल का बच्चा था आदमी, ये देखो ममता के तौर पे भी सारे लोग खड़े थे भी, एक 13 साल के बच्चे को समय तो है नहीं। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना था, ये मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में मामला, उनसे भी रात बात हुई थी, उन तक ये सारी नॉलेज, वो भी पूरे टच में थे इस मामले को लेकर। देखिए, ये हमारे को पूरी तरह से बता चुके हैं किस तरह से करनाल पुलिस का यह प्रयास जो था, यह प्रयास का जो उन्होंने सफलता, इसके लिए बड़ी ही सराहनीय सफलता है, बड़ी ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, पुलिस का बहुत अच्छा काम रहा इसके अंदर, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू करनाल पुलिस। सर, इनका भी ये भी धन्यवाद कर रहे हैं, ये भी करनाल पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि ये सारा मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में आ चुका है, वो भी पूरी रात टच में रहे हैं, करनाल पुलिस अधीक्षक देर रात तक मौके पर भी डटे रहे इस समय। इसके अलावा CIA1 की टीमें, DSP राजीव कुमार के अलावा कई टीमें जो गठित करनाल पुलिस ने की थी, उन्होंने अपनी निरंतर मेहनत के बाद लड़की को रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास सकुशल बरामद कर लिया है। मामले की तफ्तीश आगे जारी है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो समाचार एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं तरुण उपदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। देखिए, कल शाम को जिला
पुलिस कंट्रोल रूम पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच आरंभ की थी। जांच के दौरान हमने गाड़ी नंबर ट्रेस किया और गाड़ी की मार्फत हम जो गाड़ी के वर्तमान में जो मालिक है उस तक पहुँचे थे। आरोपी को हमने कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में हमने लड़की की तलाश शुरू की थी और लड़की को भी ही कल रात में ही हमने मोगा पंजाब के क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। तो सर किस तरह से वारदात को ट्रेस किया और लड़की वहाँ किस तरह पहुंची इसके बारे में? देखिए अभी लड़की को बरामद किया है, अभी सुबह यहाँ पे लेके आए हैं। लड़की से अभी हम काउंसलिंग उसकी करवाएंगे और उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। लेकिन खास तौर पे पुलिस की टीम ने भी इसमें अच्छा प्रयास किया और जो परिवारजन है उन्होंने भी अच्छा इसमें जाँच के दौरान सहयोग किया और CCTV कैमरों के मार्फत से हमें अच्छी मदद मिली थी। और टीम हमारी एक अम्बाला भी गई थी जहाँ पर जो पुराने जो उनके ओनर थे वहाँ पर भी हमने पूछताछ करी थी। उससे हमें ये पता लगा कि जो वर्तमान में जो गाड़ी है वो यहाँ करनाल के ही एक व्यक्ति के पास में है। सर क्या पता लगा कि ये लोग कौन थे, क्यों और किसको अपहरण किया? देखिए अभी तक एक आरोपी का नाम सामने आया है, उससे उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जैसे ही जाँच आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए ये कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें, क्योंकि तुरंत सूचना पहुंचने पे और समय पे सूचना पहुंच जाने से भी जांच के दौरान काफ़ी सहायता मिलती है। और यदि उनके आसपास के क्षेत्र में भी उनको लगता है कि कोई इसी प्रकार का अपराध कोई कमिट कर रहा है और लेकिन कंप्लेनेंट शिकायत नहीं कर रहा, आगे नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, तो वो भी हमें पुलिस को बताए ताकि पुलिस इसकी जो भी हर संभव मदद हो पाएगी वो करेगी। सर फिलहाल कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए और आगे जो क्या लगता है क्या सामने आया? अभी तक जैसे मैंने बताया आपको एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, अभी तक एक ही आरोपी की भूमिका सामने आई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तथ्य और हम विस्तार से क्लियर कर पाएंगे और उसी अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।